आपको 100% का फायदा ज्यादा। तो ये है कि कोई अगर करना चाहता है तो अपना 30-40 हजार रुपए महीने आराम से कमा सकता है, वो बहुत ही इजीली कमा सकता है। सर 30-40 हजार रुपए तो इस लाइन में कुछ रकम ही नहीं है, कोई मायना नहीं रखता, बहुत आराम से कमा सकता है। लोग ऐसे हैं जो इस लाइन से 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। नमस्कार भाइयों, आज का जो विषय है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट से कैसे आप मुनाफा कमा सकते हैं, कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी पूंजी से स्टार्ट कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट आता है, कहाँ इसको सेल कर सकते हैं, सारी तमाम सारी आज बात करेंगे। क्या मार्केटिंग की कोई समस्या है, नहीं है, कैसे इसको स्टार्ट किया जा सकता है, कितनी पूंजी से स्टार्ट किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, कृपया अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी। केचुआ धीरे धीरे सारा गोबर खाता है और ये 24 घंटे गोबर खाता है, 24 घंटे काम करता है, और गोबर खाने के बाद वो ना मल निकालता है। ये जो मल निकलता है इसमें नेचुरली सारे के सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ऑर्गेनिक कार्बन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स उस केचुए के द्वारा में डाल दिए जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी की खाद होती है। सर अगर इसमें एरिया की हम बात करें, कितने एरिया से स्टार्ट हो सकता है ये? सर अगर हम एरिया की बात करें तो ये 1 बीघा से भी स्टार्ट हो सकता है। ये कितने बेड डाले हुए हैं सर इस वक्त हमारे पास? क्या एरिया क्या है आपका ये? सर मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 एकड़ का एरिया है और इस वक्त हमने लगभग 80 बेड डाले हुए हैं। सर रॉ मटेरियल क्या क्या, क्या क्या खाद गोबर के अलावा क्या क्या आपने इसमें डाला हुआ है? इसमें कुछ नहीं डाला सर, इसमें सिर्फ गोबर है। कि गौशाला का गोबर हो तो गोबर की क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए, पानी की मात्रा बिल्कुल ठीक लगी हुई होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, कम से कम 15 दिन पुराना होना चाहिए। हम लोग ताज़ा गोबर लेते हैं मगर उससे हम इमीडिएटली बेड नहीं बनाते, हम उस ताज़े गोबर को काटते हैं, बार बार फावड़े से काटते हैं और उसकी तराई करते रहते हैं, पानी लगाते रहते हैं, ताकि उसमें से जो भी हार्मफुल गैसेस हैं या गोबर का जो तापमान है वो कम आ जाए। जब गैसेस ख़त्म हो जाती है, महक ख़त्म हो जाती है गोबर से, तो इसका मतलब समझ लीजिए गोबर अब बेड पर डालने के लिए तैयार है। तो कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है सर इसमें? सर इसमें 100% प्रॉफिट है जी। जितने का आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आता है उससे दुगने पैसे में बिक जाता है, और भी प्रॉफिट आता है। जैसे जैसे आप अपना बिजनेस ग्रो करेंगे तो आप रिटेल पैक्स में आ जाएंगे, रिटेल पैक्स में इसमें एंडलेस मार्जिन है, 400% मार्जिन है। और फिर इस दौरान आपके केचुए बच्चे देंगे, अंडे देंगे, वो बच्चे और अंडे कल को केचुए बनेंगे, वो आप बाजार में बेच सकते हैं। इस केचुए का रेट तकरीबन 250 रुपये किलो है, ये आपका नेट प्रॉफिट होता है। ये लेडीज धीरे 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 खाद को छांट रही हैं, इसके अंदर केचुए हैं, केचुओं को कुछ ना हो, और धीरे धीरे से हम खाद को, ऊपर वाली खाद को लेयर बाय लेयर उतारते चले जा रहे हैं। खाद जो है जो रेडी, ये मैन्युफैक्चर्ड, हाँ जी ये रेडी हो चुकी खाद है। आपने हमारा ये स्पेशल टूल देखा होगा, ये फावड़ा नहीं है, फावड़ा अगर हम चला देते इसके ऊपर तो वो केचुए को मार देता, केचुए को कभी कोई हार्म नहीं होता, केचुआ नहीं मरता। ये स्पेशल है ये? जी ये स्पेशल बनाया जाता है, इसी से एक बार ही जब केचुआ डल जाता तो उसके बाद कटाई इसी टूल से की जाती है, और तकरीबन 250 रुपये किलो ये बिकता है। 250 रुपये किलो उसकी मार्केट वैल्यू है? मार्केट वैल्यू। सर जैसे हम प्रॉफिट की बात कर रहे थे जी, तो इसमें आधे का प्रॉफिट है जी, आधे अगर कोई भाई अगर 1 लाख रुपये लगा रहा है तो 50,000 रुपये का इसमें उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा। कितना टाइम में सर खाद तैयार होती है? 2 महीने लगते हैं सर इस खाद को तैयार होने में, अगेन डिपेंड करता है कि आपके पास केचुए कितने हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमने पर स्क्वायर फीट 1 किलो केचुआ डाला है तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर उसी के अंदर कल को वो केचुए ग्रो होके मान लिया जाए 1.5 किलो हो जाता है 1 फुट के अंदर, तो वो खाद जल्दी बनाएगा, इतना ज़्यादा केचुआ होगा वो उतनी जल्दी खाद बनाएगा। तो धीरे धीरे वो साइकिल जो है 1 महीने पर आ जाती है, जो आज 2 महीने की साइकिल है आपके पास जब केचुआ ज़्यादा हो जाएगा तो 1 महीने में भी कन्वर्ट हो जाएगा। सर पूंजी की अगर बात करें तो कितनी पूंजी से स्टार्ट कर सकते हैं इसको? सर ये बहुत कम पूंजी से भी स्टार्ट हो सकता है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है मात्र 1 लाख रुपये की पूंजी से भी स्टार्ट हो सकता है। और केचुए सर जो लाएँ वो कहाँ से लाएँ, क्या उसमें सावधानी रखें कि ये जो हम ला रहे हैं वो सही है? जी सर ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। जी सर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूजुअली हम लोग इन केचुओं को रेड रेगुलर्स कहते हैं, और अगर हम इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है आइसिनिया फाइटिडिया। ये हमें ख़रीदना उन्हीं से चाहिए जो कि वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जिनके खुद के फार्म्स हैं, ताकि आपको सबसे हेल्दी और सबसे अच्छा केचुआ मिले। तो सर केचुआ तो हमारे यहाँ पे भी बहुत बिकता है, तो आप तो किसी भी भाई को अगर चाहिए तो हम उसको
केचुआ दे सकते हैं। तो ये क्या रेट में मिलता है सर? 250 रुपए किलो मिलेगा। कितनी मात्रा में सर इसको डाला जाता है? सर एक फुट, एक स्क्वायर फुट के बेड जो है, जैसे हमारे यहाँ पे आपको मैंने बताया कि हमारा 100 स्क्वायर फुट का बेड है, जिसमें 3 स्क्वायर फुट की उसकी विड्थ है और 100 स्क्वायर फुट की उसकी लेंथ है और लगभग 15 इंची की उसकी ऊंचाई है। तो इसमें एक फुट के अंदर हम 1 किलो केचुआ डालें। सर अगर मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में कोई इशू है इसमें? कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास एम्पल ऑफ टाइम रहता है कि आप अपना केचुए की मार्केट डेवलप कर लो। 2 महीने, एक बारी अगर आपने केचुआ डाल दिया और प्रॉपर तरीके से उसकी कटाई कर दी, सब कुछ कर दिया, तो आप फ्री हैं 2 महीने के लिए। इन 2 महीने में मेरी सबको सलाह कि एक एक गांव जाके, एक एक जगह जाके आप घूम के अपना प्रचार कीजिए। सर कोई सब्सिडी वगैरह सरकार से कोई मदद मिलेगी इसमें? जी सर, इसमें 50% की सब्सिडी है जो कि आपको स्टेट गवर्नमेंट देती हैं। किसी किसी जगह पे अगर आप काम करते हैं तो आपको 85% तक सब्सिडी मिलती है। जैसे हिमाचल में 85% तक सब्सिडी है, जिसमें से 50% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और 35% एडिशनल सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट की है। बताएं सर, ये जो छन्ना मशीन है सर, ये बड़ी स्पेशल मशीन है। इसमें से ए और बी ग्रेड क्वालिटी खाद दोनों एक टाइप एक ही बारी में छन जाती है। ये देखिए सर, ये बहुत ही महीन खाद है, बिल्कुल बारीक A1 खाद है, बिल्कुल ये ए क्वालिटी खाद है। ये हमारी नर्सरीज के अंदर काम आती है, घरों में काम आती है। अच्छा सर, ये कैसे करते हैं, वहाँ से ही डालते हैं इसको, कैसे करते हैं? वहाँ से सर, इन्होंने वो जो खाद का ढेर पड़ा हुआ है वहाँ से तसला भरा अपना ये फावड़े से, इसमें बस डालते चले गए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लेबर इंटेंसिव हो, बस इन्होंने खाद डालना और मशीन अपने आप अपना काम करती जाएगी। यहाँ से सर आप देखें तो ये मोटा खाद है, ये खाद सर बी ग्रेड खाद हम इसको कहते हैं, ये फार्मर्स के काम आता है। तो जो फार्मर यूज करेगा वो आपसे इसी ग्रेड की खाद लेगा। ये सेक्शन है, ये आपका वेस्टेज है, इस प्रोडक्ट को हम उधर रख देते हैं, इसके दोबारा गीला करते हैं और दोबारा से इसको बेड में लेते हैं। इसलिए इसमें वेस्टेज कुछ नहीं जाता। किसी किसान भाई के मन में ये ना आ जाए कि जी इसमें वेस्टेज होता है, वेस्टेज इसमें कुछ नहीं होता। ये जो मैंने आपको 5 रुपये किलो का रेट दिया था, ये बी ग्रेड खाद का रेट था सर। ए ग्रेड खाद आप 10 रुपये किलो से लेके 20 रुपये किलो तक बेच सकते हैं, ये आपके अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो प्रॉफिट हमें ए ग्रेड जो खाद है उसमें ज़्यादा है सर, नेचुरल है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके अगर बेसिकली है। हाँ जी, ये एकदम बेस्ट है, ये एकदम बेस्ट है। तो इसमें हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट डबल का प्रॉफिट हो जाता है, बहुत आराम से इसमें डबल का प्रॉफिट है सर। तो उसके लिए आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ेगी, अपना मार्केटिंग नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सर कोई अगर स्टार्टिंग में कोई ऐसी मार्केट जहाँ पे इसको कर सकता है कोई, क्योंकि हर बंदा डरता है कि मार्केट नहीं है, मार्केट नहीं सर है। अगर आज की रेट में मैं बात करूँ तो आने वाले टाइम में, जैसा कि आप देख रहे हैं असम में गवर्नमेंट ने एक नियम बना दिया कि वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करना है। एंड यूज़र्स हैं वो जागरूक हो चुके हैं, वो उनको ऑर्गेनिक खाना चाहिए, वो नहीं चाहते कि यूरिया से बनी हुई सब्जी आए या किसी और केमिकल से बनी हुई सब्जी है। आज वो हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी प्राइसिंग अगर ज़्यादा हो भी जाती है तो इतना मैटर नहीं करती जी। और किसान भाइयों को ये यील्ड भी ज़्यादा देगी और इसका क्रॉप भी महंगा बिकेगा। सर इसमें केचुआ बेच के भी क्या किसान भाई प्रॉफिट कमा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रॉफिट है सर, मेनली तो प्रॉफिट है ही उसी में केचुआ के। जैसे आपने आज 1 किलो केचुआ खरीदा, आने वाले 6 महीने में वो 1 किलो का 1 किलो केचुआ आपको फ्री में आ जाएगा, क्योंकि इतने बच्चे वो केचुआ दे देता है। किस रेट से खरीदेगा केचुआ, क्या बेचेगा? तकरीबन 250 रुपये किलो इसका रेट है, और 250 रुपये किलो अगर वो खरीदता भी है तो आने वाले 6 महीने में ही वो आराम से उसको 250 रुपये किलो बेच सकता है, प्लस उसके पास अपना प्रोडक्ट है। मतलब सर आपने जैसे कहा 50% का मार्जिन है, तो इसमें भी 50% का मार्जिन सर? मैंने सर 50% का मार्जिन अभी सर बी ग्रेड खाद के लिए कहा था जी। अच्छा, हाँ जी, मैंने बाकी प्रॉफिट्स नहीं जोड़े थे जिसके अंदर ए ग्रेड खाद भी और केचुआ भी है। केचुआ भी है, तो अगर आप उसमें में कॉस्ट कैलकुलेट करोगे
तो आपको 100% का फायदा ज्यादा है। तो ये है कि कोई अगर करना चाहता है तो अपना 30-40 हज़ार रुपए महीने आराम से कमा सकता है, वो बहुत ही इजीली कमा सकता है सर। 30-40 हज़ार रुपए तो इस लाइन में कुछ रकम ही नहीं है, कोई मायना नहीं रखती, बहुत आराम से कमा सकता है। लोग ऐसे हैं जो इस लाइन से 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। इतनी ज्यादा इसमें आमदनी है, इतनी ज्यादा आमदनी। सर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश भाई, धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।